सनातन हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूजा पाठ, यज्ञ और हवन से लेकर सभी धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। मंत्रों के जाप से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि इससे नकारात्मकता भी दूर होती है। ज्योतिष में तनाव मुक्त जीवन और परेशानियों से मुक्ति के लिए भी मंत्रों को कारगर माना गया है। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है या फिर घर पर नकारात्मकता का साया है, तो आपकी हर परेशानी का हल मंत्रों से संभव है। इन 5 मंत्रों के जाप से घर पर सुख शांति का वास होगा और आप सभी परेशानियों से मुक्त रहेंगे। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंत्रों का उच्चारण हमेशा स्पष्ट तरीके से और शुद्ध होकर करें, तभी इसका लाभ होगा। दोस्तों, अब जानते हैं मंत्रों के बारे में, लेकिन आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। पहला मंत्र है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदः स्वस्ति नास्तर्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का उच्चारण सुबह करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर पूजा घर में एक कलश में शुद्ध जल भर कर रखें। पूजा आरंभ करने से पहले हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद सभी दिशाओं में अभिमंत्रित जल के छींटे मारें। इस विधि से मंत्रोच्चारण करने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, पारिवारिक कलह क्लेश दूर होते हैं और सुख शांति में वृद्धि होती है। दूसरा मंत्र, ओम बुद्धि प्रदाये नमः। इस मंत्र के जाप से बुद्धि तीव्र होती है। भगवान गणेश की पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार करना चाहिए। मंत्र के जाप से पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और उन्हें मोदक, लाल गुलाब और दूर्वा चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और फिर मंत्र का जाप करें। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए इस मंत्र का जाप लाभकारी होता है। इससे बुद्धि तीव्र होती है, समझदारी बढ़ती है और विद्या की प्राप्ति होती है। तीसरा मंत्र, जले रक्षतु वाराह स्थले रक्षतु वामनः अटव्याम नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। इस मंत्र का जाप आप सुबह और शाम दोनों ही समय कर सकते हैं। साथ ही रात्रि में सोने से पहले हाथ पांव धोकर शुद्ध होकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से आप भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वह सभी दिशाओं से आपकी रक्षा करें। अगला मंत्र, ओम नमः शिवाय। यह शिव जी का सबसे प्रभावी और सरल मंत्र है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती हैं और वह तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करता है। साथ ही इससे निरोगी जीवन व अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगला मंत्र, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठने के बाद अपनी हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे पूरे दिन आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों मित्रों, यह थी जानकारी कुछ मंत्रों के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद जरूर आई होगी। आपसे निवेदन है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही रोचक एवं नई नई वीडियो बराबर देखने को मिलती रहती हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले उपाय मंत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।